Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Radhe Radhe Shyam Mila De Radhe 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 Shyam Mila De Radhe Radhe Shyam Mila ये हमारा कुशागर कुच्ची पुच्ची थक चुका है। हेलो गाइस, सो फाइनली मैं और आयुष आज जा रहे हैं मथुरा और वृंदावन विद नो एनी अदर पर्सन जो सीनियर हो या जो हमें गाइड करे। तो अब हम बंजारे वाली फील देते हुए जाएंगे विद टोटली अनप्लान्ड चीजें कि हम एग्जैक्टली कहाँ पे जाएंगे, कैसे क्या करेंगे। सो Let's go. झोपड़ी के बाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। और जब हम दिल्ली से आ रहे थे तो यमुना एक्सप्रेसवे पे हमें ये सॉलिड अंधेरा मिला था, एक भी स्ट्रीट लाइट, क्योंकि यहाँ तो होती है नहीं। फर्स्ट टाइम हम घर के बाहर निकले हुए थे बिना सीनियर के, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था। तो अगेन हमने भजन लगा लिया, राम आएंगे। चलो चलें गोवर्धन पर्वत की ओर, लेट्स गो। नाउ वी रीच्ड एंड दिस बुकर इज देयर विद हिज कुरकुरे। अपना वजन छुपाने की कोशिश कर रहा है, मोटापा। अब हम जा रहे हैं गोवर्धन पर्वत, लेट्स गो एंड मीट यू देयर। बुकड़ प्राणी देख नहीं रहा, काला हो गया। ये पहले कर लेते हम। सो हम जैसे ही गोवर्धन पर्वत पहुंचे, हमने फटाफट से गाड़ी पार्किंग में लगाई और अब हमने अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर दी है। और परिक्रमा की शुरुआत हम करेंगे बड़ी परिक्रमा से। अब शुरू करते हैं बड़ी परिक्रमा। राधे राधे। सो आइए अपनी परिक्रमा की शुरुआत करते हैं दंडवत प्रणाम से। हे भगवान, पार लगा देना बस। शांति से हम अपनी परिक्रमा संपूर्ण तरीके से कर पाए। जाएंगे राम आएंगे। गायुष राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। और मेरी जिंदगी के दुख मिट जाएंगे। और राम आएंगे, आएंगे, आएंगे इसके आगे तो अब आप ये देख सकते हैं कि परिक्रमा करते वक्त श्रद्धालु के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो इस साइड रोड पे चले या फिर वो उस साइड, वहाँ पे सैंड है प्रॉपर ठंडी ठंडी रेत, वो लोग उस पे भी चल सकते हैं। सो आपको ऐसे ही परिक्रमा करते वक्त बीच में बहुत सारे ऐसे मंदिर देखने को मिल जाते हैं, कृष्ण जी के, हनुमान जी के। लो फिर इसी बात पर आपको बजरंगबली के साक्षात दर्शन करा दिए। जय बजरंगी। तो यहाँ मुझे रास्ते में मिलते हैं एक बहुत ही क्यूट से प्यारे से पपी, और साथ में मिलती हैं बहुत सारी दुकानें और ये देसी घी के बढ़िया बढ़िया समोसे और जलेबी। देख के मन ही ऐसा हो जाता है कि मतलब रुका ही नहीं जाता। पर फिर हम सोचते हैं कि नहीं, पहले एक ये जो मंदिर है गिरिराज जी मंदिर, यहाँ पे हम लोग जाते हैं दर्शन करने और फिर हम लोग जाएंगे जलेबी और समोसे खाने। तो ये है स्ट्रक्चर मंदिर का एंड इसके अंदर हम जैसे ही जाते हैं, देखो बहुत सारे लोग ऑलरेडी आए हुए हैं दर्शन करने, और मेरा पक्का ये यकीन है कि जाते वक्त ये भी समोसा और जलेबी खा के जाएंगे। तो आप लोग भी आएँ तो ज़रूर से खाना। सो अगेन आपको हम दिखाएंगे अनकंडीशनल लव ऑफ अ मदर, चाहे इंसान हो चाहे बंदर हो। देखो कैसे वो छोटे बच्चे अपने बच्चों के जुए निकाल रहे हैं बंदर या क्या कर रहे हैं, बट इट्स सो क्यूट। देखो दूसरी तरफ भी दिखाते हैं, ये देखो कितने क्यूट लग रहे हैं भाई।
देखियो कैसे जुए निकाल रहे अपने बच्चों के। तो लो जी, जैसा कि अपने आप से, अपने पेट से और आप सभी से वादा किया था, हम पहुंच गए समोसे और जलेबी खाने। ओहो हो, यहाँ आओ तो जरूर खा के जाना, यम 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 है एकदम। सो मोस्टली हमने हमारी बरी परिक्रमा कवर कर ली है, लेकिन जो अब हमारी रेस्ट ऑफ द बरी परिक्रमा रह रही है, हम वो कवर करने के लिए फाइनली निकल चुके हैं। एंड उसके बाद हम टाइम के अकॉर्डिंग देखें, अगर टाइम कम रहेगा तो हम रिक्शा से शायद छोटी परिक्रमा करें। ओनली 2 किलोमीटर ब्रो। यस, यह यू हैव डन इट इन ओनली 3 आवर्स। यू विल बी एबल टू डू इट ब्रो। सो सबसे बेस्ट पार्ट पूरी परिक्रमा का ये था कि ये स्विंग्स हैं, ताकि आप अपने पैर को रिलैक्स कर सको बिना किसी मसाजर के या किसी चीज़ के। और प्लस नॉस्टैल्जिक फीलिंग आपके चाइल्डहुड मेमोरीज की, अमेजिंग इट वाज। राधे राधे श्याम मिला दे, 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 राधे 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 श्याम मिला दे, 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सो नाउ अब हम बिल्कुल ही समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं बड़ी परिक्रमा के। एंड फाइनली थैंक यू गॉड कि हम कर पाए बड़ी परिक्रमा, वो भी समय से और वो भी अपने खुद के दम पे। थैंक यू सो मच। अब आई डोंट नो, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अब हमें छोटी परिक्रमा के लिए रिक्शा करनी पड़ी, क्योंकि अगर हमें समय से आगे बाकी भी हरी स्कॉन निधिवन जाना है, हमारे जो भी प्लान्स है, और उसके बाद दिल्ली जाना है, तो उसके लिए हमें सब कुछ टाइमली करना पड़ेगा। तो हमें ई रिक्शा करनी पड़ी अपनी छोटी परिक्रमा की, जो भी हमारी यात्रा है उसके लिए। सो अगेन डिसीजन गॉड का था। हमें एक आइडिया लगा कि अगर हम टाइम से नहीं पहुंचे तो हमारी आरती और स्कॉन में जो सुबह होता है सब मिस हो जाएगा, इसलिए। कड़ाके की ठंड हो रही है भाइयों, और हम लोग उसमें और हम ऐसे चल रहे हैं रिक्शा में, ठंडी हवा लग रही है। मैंने तो जैकेट पहन रखी है तब भी इसको ठंड लग रही है, यहाँ मैंने हाफ टी शर्ट पहन रखी है तब भी मेरी ऐसी ऐसी हो रखी है, और इसको कोई शर्म भी नहीं आ रही, टोपी भी पहन रखी है इसने। बताता हूँ कैसा है, मैंने हाफ टी शर्ट भी पहन रखी है, कोई शर्म नहीं आ रही इस बंदे को, टोपी पहन के भी कर रहा है। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण 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 बोलो हरे हरे हरे, बोलो कृष्ण 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 बोलो हरे हरे, हरे लाल की जय हो। हो गया भैया, तुमने पहले जयकारा लगवा दिया। मिले जाए पर देख 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 देख। और यहाँ पे हमने ई रिक्शा की मदद से हमने छोटी परिक्रमा भी समाप्त कर ली। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। और ये जबकि वीडियो है जब हम गाड़ी के पास जा रहे थे और मेरे को एक गाय का बच्चा मिला, मैंने इसके साथ थोड़ा खेलना चाहा, बट अनफॉर्चुनेटली मैं जैसे जैसे इसके पास जा रहा था ये गाय आगे आगे जा रही थी, एंड उसके बाद पता नहीं क्यों ये डर गई, इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया। अभी देखो कैसे डर जाएंगी ये। सो गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली अभी 4:15 हो रहे हैं, 4 बज रहे हैं वैसे ऑलमोस्ट, और अभी बस अब आ गए हैं पार्किंग में, अब पार्किंग से गाड़ी लेके जाएंगे। आयुष अपना थोड़ा सा फ़ोन चार्ज कर रहा है क्योंकि उसका iOS है, इसमें टाइप सी की केबल लगी हुई है उसकी गाड़ी में, तो उसने क्या सोचा मैंने बोला कि यहीं चार्ज कर ले। एंड उसके बाद वी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स, अब हम जा रहे हैं फटाफट से, 5 बजे हमारा टारगेट है बाके बिहारी मंदिर पहुंचने का, और ये खो चुका आ रही है नींद, तो गाड़ी अब चलाने की जिम्मेदारी है मेरी, तो अब मैं फटाफट से पहुंचाऊंगा इसको टाइम पे, एंड मिलते हैं फिर बाके बिहारी मंदिर पे सम हाई स्पिरिचुअल एंड पॉजिटिव वाइब्स। सो लव यू ऑल, स्टे ट्यून, बाय बाय। सो अभी हम जस्ट गोवर्धन पर्वत से निकले हैं, और मजे की बात इस टाइम पे अब ड्राइव मैं कर रहा हूँ, तो ठीक है भगवान है हमारे साथ, लेकिन सच बताऊं फट बहुत हो रही है, रास्ता देखो आप एक बारी बिल्कुल सुनसान।
और ये फाइनली हमारे दर्शन होते हैं मेरो वृंदावन, जहाँ पूरी दुनिया आने के लिए मरती है, वहाँ हम पहुँच गए हैं उस द्वार पे और अब हम चलते हैं। सो हम फटाफट से जाएंगे और गाड़ी की बढ़िया सी पार्किंग ढूंढेंगे एंड शायद हम अपने प्लान में मॉडिफिकेशन ला के पहले निधिवन जाएंगे एंड उसके बाद स्कॉन। ये देखो ऑलमोस्ट इसी हाल में मैं इस बंदे को गोवर्धन पर्वत से उठा के यहाँ ले आया और बाहर इतनी बढ़िया सारे वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं। और दिखाऊं देखो ये ऑलमोस्ट सुबह के 5:30-6 बज रहे हैं और कैसे सब के सब खाली पाँव वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं और मजे की बात मोस्ट ऑफ देम आर फॉरनर्स इन दिस। ये गाइस अब वल्लभ जी गए थे बट वल्लभ जी थोड़ा बंद मिला हमको, तो अब हम निधिवन जा रहे हैं, वहाँ पे हम दर्शन करके फिर सोचते हैं कि कहाँ जाना है। विल मीट यू देयर। तो हम जा ही रहे थे कि रास्ते में हमें घाट दिखता है जहाँ पे बोट्स वगैरह हैं, तो हम थोड़ी फोटोज़ वगैरह खींचने लगते हैं और उसके बाद जब आगे हम जाते हैं अपने रास्ते की टुवर्ड्स, तो आप देख सकते हो आप वृंदावन आए और आपको गाय ना दिखे। नॉट एट ऑल पॉसिबल, आपको जगह जगह पे गाय दिखेंगी। चलो फटाफट चलते हैं निधिवन। तो क्योंकि हमने गाड़ी बिल्कुल सेंट्रल जगह पे पार्क करी है, तो अब हमने निधिवन में दर्शन कर लिए हैं, निधिवन हम हो आए हैं और अब हम जा रहे हैं कहाँ पे, स्कॉन मंदिर। सुबह वहाँ बहुत अच्छी होती है, स्पिरिचुअल होती है, तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे। फाइनली देखो हम पहुँच गए श्री श्री कृष्णा बालाराम टेम्पल, लेट्स गो। इसको रंग दिया गया है, रंग दे मुझे को रंग दे। आंटी रुके ही ना, यहाँ लगाए फिर ये लाल वाला लगाए, फिर यहाँ मैं कहता अब तो रुक जाएंगे, फिर उसका पूरा कृष्ण जी का साधु भक्त बना दिया गया है। कसम से इतना वो कर दिया यार, अच्छा मैंने मना कर दिया, ऊपर रास्ते ऐसे जाते हैं हम लोग दोनों चंपू की तरह। अगर है भाई इसने किसी भी लगवाने के लिए इसको सोचा था कि टीका लगाएगी, इसको पूरा रख दिया गया है। इस्कॉन मंदिर हम पहुंच चुके हैं और अब वो स्पिरिचुअल वाइब्स देखते हैं वहाँ की। Seriously need to learn from her, my goodness.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Who says clubbing is fun? Bro, come to ISKCON Vrindavan. आ गया मजा। तो ये होता है सुबह सुबह ISKCON के मंदिर में वृंदावन में फुल नशा होता है, नशा एक एक चने में नशा होता है, न दारू का न मदीरा का, श्री कृष्ण का नशा होता है। वो ऐसा नशा होता है, अभी आपने देखा सब पागल हो जाते हैं। आप खुद ऐसे अननोन्स के बीच में आप डांस करते 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 आपके अंदर कौन सा जुनून आ जाता है कि आपका रुकने का मन ही नहीं करेगा। और ये है अंदर की, मतलब अभी हम लोग आए हैं पूरा डांस वगैरह करके म्यूजियम में, तो बहुत आर्किटेक्चर और यहाँ पे सब कुछ हुआ है। ये देखिए प्रभुपदा जी हैं जिन्होंने स्टार्ट करा सब कुछ, मतलब श्री कृष्ण का नाम जगह जगह पूरे वर्ल्ड में इन्होंने प्रसिद्ध किया। और वर्तमान में देखिए विश्व में 850 से ज़्यादा ISKCON के मंदिर हैं। सो ये प्रभुपदा जी की पूरी तस्वीर दिखाई गई हैं। सो बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर है, एक बार ही तो मस्ट विजिट है। अपने फ्रेंड्स के साथ नियर एंड डियर वंस के साथ आओ, या मैं तो कहता हूँ सोलो आओ, सोलो इज़ द बेस्ट। आपकी मेंटल पीस को मतलब नेक्स्ट लेवल मज़ा आ जाएगा, आपको पता ही नहीं होगा आप कहाँ पे हो। एंड सेकेंडली, ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों को प्रभुपदा जी के बारे में नहीं पता होगा, तो डोंट वरी, मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डाल दूंगा, तो मैं भी विकिपीडिया से कॉपी करूंगा। बट एक बारी ट्राई कीजिएगा कि आप उसको ज़रूर पढ़ें कि कैसे प्रभुपदा जी फॉरेन में गए और जगह जगह उन्होंने कृष्ण जी का नाम फैलाया। बहुत सारे मजे करने के बाद मेरे को डले, व्हाट एन एनर्जेटिक मॉर्निंग इट वाज, लाइक फुल ऑफ पॉजिटिविटी, फुल ऑफ एंथुसियाज्म एंड सो मच एनर्जी, लाइक सो मच एनर्जी पीपल आर हैविंग, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, लाइक सीरियसली इट वाज एक्चुअली अ वाओ मोमेंट, लाइक बहुत अच्छा, बहुत पीसफुल, एंड दिस एक्सपीरियंस इज very rare, unforgettable, memorable, and just and incredible. If you get to experience this, then you are lucky, bro. In short, we both are lucky, bro. But actual mein it was an amazing experience. Jaisa expect kiya tha, usse bhi zyada hi maza aaya yaar. Like आप भूल ही जाते हो कि we were not even expecting that we are going to experience this. We were like just we have to enter and get the darshan and then exit. Exactly. But the vibe and the sense of belongingness people were having and were
they made us so much comfortable that we were able to dance with unknowns, and just the bond we share was of Lord Krishna, and a lot of foreigners are also there. And also the structure of this temple is so amazing that every centimeter of this structure is telling a new story about Krishna, God, Lord Krishna. Must visit, guys. Must visit. Do visit. सो प्रसाद के तौर पे हमने खिचड़ी ले ली है गरम गरम एकदम मस्त, और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप 5 रुपये 10 रुपये कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहें ज़रूर करिएगा, लेकिन हाँ विनोद कैसा है? भटक रहा हूँ मैं भैया, को भी जगह नहीं मिल रही, सारी जगह तूने ले ली है भाई। मेरे तो एक ही बैठा हुआ, मैं तो आधा ही बैठा हूँ भाई, जगह नहीं मिल रही। अरे अरे मैं गिर जाऊंगा भैया, मैं सरकूंगा तो आप करो, मैं नहीं सरकूंगा तो आप। ये भैया एक चौड़ा ना, इसको घुमाना पड़ता है। सो अब हम जा रहे हैं फाइनली बांके बिहारी मंदिर, जो कि हमने फर्स्ट सोचा था, अब हम दो जगह होने के बाद यहाँ जा रहे हैं, और भीड़ मेरे को काफ़ी लग रही है, बट कोई नहीं, जाएंगे हम तो। आओ अब चला जाए बांके बिहारी जी के मंदिर। बोल बांके बिहारी लाल की जय। लो जी देख लो भीड़, दिल्ली का राजीव चौक मेट्रो स्टेशन यहीं से बना है, और वो तो फेल ही है इसके आगे। मुझे तो लग रहा है भीड़ में मैं खुद ही चलता चलता आगे पहुँच जाऊँगा, ऐसा लग रहा है। देखो देखो कोई भी आ जा रहा है। अब चलो मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, पता चले फ़ोन भी चला गया। ओके बाय, सॉरी सॉरी, माय बैड। मेरे को लगा भीड़ में मैं आगे चला जाऊँगा, बट यहाँ तो आगे ही नहीं जाने का स्कोप है। सो फाइनली बांके बिहारी मंदिर में भी जैसे तैसे जैसे भी दर्शन हुए, दूर से ही हुए, लेकिन दर्शन करने के बाद अब थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए, फिर काम दूजा, फटाफट से थोड़े ढोकले खाए जाएं, मज़ा आ जाएगा ढोकले के खाने के लिए। चलो फटाफट से ढोकले खाते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे। बाय। हाँ भाई तो कैसे हैं आप सब? नहीं नहीं डोंट वरी, ये हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन नहीं है, अभी पता चल जाएगा कहाँ जा रहे हैं हम। भाई साहब इतना तो मैं अपने जीवन में कभी नहीं थका, जितना मम्मी ने घर पर दिवाली में भी काम कितना भी करा लिया तब भी इतना नहीं थका, क्योंकि नॉन स्टॉप चल रहे हैं यार हम, नॉन स्टॉप ड्राइविंग सब कुछ, बट ठीक है मज़ा है। भाई थके हालत में जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं जा रहे हैं। सो यस, ये है हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन प्रेम टेम्पल, यानी प्रेम मंदिर। अगर वृंदावन आए और यहाँ ना जाएं मतलब ही नहीं है। सो ये रहा हमारा प्रेम मंदिर, हमारे कृष्ण जी का मंदिर, और अब हम जाएंगे इसमें दर्शन करेंगे। दो मेरी हालत बिल्कुल पंचर हो रखी है, बिल्कुल ही जाने का मतलब मन तो है बट शरीर अलाउ नहीं कर रहा है, बट एनी हाउ हम जाएंगे किसी तरह। सो लेट्स गो। सो यहाँ पे आप में से कोई भी कहीं से भी आ जाओ, कभी भी आ जाओ, आपको डेफिनेटली भीड़ मिलेगी ही मिलेगी। और एक एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा, आप शाम में आओ तो लाइटिंग बहुत ही बढ़िया होती है यहाँ पे। देखो भी दिखाता हूँ कैसे लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, इसलिए मैंने एक छोटी सी टाइम लैप्स बनाई थी। शाम को आना अच्छा लगेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया गया है चीज़ों को, कैसे गोवर्धन पर्वत कृष्ण भगवान ने उठा रखा है और पूरा गोकुल उस पर्वत के नीचे है, और कैसे बरसात हो रही है झरने के थ्रू। तो बहुत ही सुंदर तरीके से पिक्टोरियल तरीके से स्टैचू, आप देखो कैसे कृष्ण भगवान ने अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा रखा है, क्योंकि अंदर फोटोज या वीडियोस बनाना प्रोहिबिटेड है, सो दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू मेक एनी वीडियो या फोटो। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, कल से हम बैक टू बैक ड्राइव कर रहे हैं, आगे पीछे कहीं भी जाए जा रहे हैं मंदिरों में, ये बहुत थक चुके हैं यार। अभी हमें नेक्स्ट मथुरा जाना है, बरसाना वगैरह का प्लान था बट ड्रॉप कर दिया हमने, तो अभी यहाँ पर बहुत जगह है, देखते हैं यहीं। मैं तो कह रहा हूँ मंदिर परिसर के बाहर ही थोड़ी देर लेट वगैरह जाएंगे, क्योंकि गाड़ी पार्किंग में लगी हुई है हमारी, वहीं से गाड़ी लेके पे तो हमें उतना ही करना है, तो इट्स बेटर हम थोड़ी देर में निकल जाएं। अभी 11:30 बज रहे हैं, तो शाम तक दिल्ली पहुंच गए तो इट्स गुड। बाकी आर्किटेक्चर देखो इसका, कितना पीसफुल जगह, देखो इतनी सारी जगह है पीछे भी खाली, और यहाँ पे देखो कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, देखो इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, पीछे बैठे हुए हैं, कोई लेटा हुआ है, यहीं पर थोड़ी देर हम रिलैक्स कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय।
हाँ भाई क्या सोचा, इतना बुरा हूँ क्या मैं? नहीं नहीं पिक्चर्स तो दिखाऊंगा, ये देखो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है प्रेम मंदिर में, वृंदावन में, ये देखो कितनी ग्रीनरी, कितना सुंदर रिप्रेजेंट किया है, और ये देखो गोवर्धन पर्वत के नीचे कितने सुंदर तरीके से सारे खड़े हैं, और ये पिक्चर ऑफ द डे, अमेजिंग इट वॉज। ये हमारा कुशागर कुच्ची पुच्ची थक चुका है, बहुत गंदी तरह थक चुका है, इसके देखो मुंह से लार टपक रही है, अभी हंसेगा एक सेकंड में ये। अभी मैं इतना थक चुका हूँ भाई साहब, मेरी आंखें देखो आप कितनी छोटी छोटी सी हो गई हैं, बिल्कुल खुल नहीं रही हैं। किसी तरह मैंने बस आयुष को बोला, मैं कहा भाई ले आ तू पेड़े वेड़े प्रसाद लेके चलते हैं फटाफट से अपने घर दिल्ली को, बहुत वाट लगी पड़ी है भाई, बहुत लेजिट नींद आ रही गंदी वाली, आंखों से पता चल रहा है मेरी आंखें देखो कितनी भी प्रेशराइज करके खोल लूँ खुल नहीं रही हैं, खुल सी गई हैं बिल्कुल ही, फटाफट से हर दिल्ली निकलते हैं अब। हम ड्राइवर चेंज करेंगे, अब मैं बनूंगा ड्राइवर और ये सफेदी का शौकीन बैठेगा साइड में। चलो भाई एक्स ड्राइवर ऑफ द कार गाड़ी खोलो, एंड मी गोइंग हियर, आओ 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 चलो चलो चलो। बिना खाए पिए बिना रेस्ट करे हम पहुंच चुके हैं दिल्ली। ये आपका दोस्त, बात करिए इससे। बिना खाए पिए यार टीका अच्छा लग रहा है ना, नाइस। बोल साले अगली बार से ट्रिप आएगा आएगा तो ऐसे नहीं आएगा, अगली बार मेरे हिसाब से आएगा तो अभी भी तेरे हिसाब से आएगा, शाम को निकलना है अभी निकलना है 1 घंटे में, वो सिर्फ टाइमिंग मेरे हिसाब से थी, उसके बाद सारा प्लान तेरे हिसाब से था। ओ पागल है कोई, मेरे हिसाब से नहीं था, सब 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 तेरे हिसाब से था, सब वो तेरी फ्रेंड झलक के हिसाब से था, क्या जलेबी और क्या समोसे खाने वो तक तो अच्छे लगे ना, टेस्ट तो आया ना एटलीस्ट, तू तो वो भी नहीं खाने जा रहा था। अच्छा मैंने जलेबी समोसा जलेबी वाली नहीं बना गया था, ठीक है ना ड्रामा, वो तो मैंने बोला था ना तेरे दिमाग में थोड़ी आई थी जलेबी समोसा, और तो वो भी नहीं खिलाता अगर मैं नहीं बोलता तो, वो तो आप बिना ढोकले के भी आ रहे होते आज, हमको पता है ऐसा। ढोकला मैंने ही पूछा था कितना कमीना इंसान है, ढोकले से पहले समोसा भी नहीं खाया होता हमने, हम खाली पेट सो रहे होते रहा, सोए तो क्या रहे नहीं तेरी कृपा की वजह से हम लोग, कि हमने 24 घंटे में तो भागा थोड़ी मंदिर के दर्शन करे हमने, तो हुए ना कितने अच्छे से, ताकि अरे कि इस्कॉन में मजा आ गया बस तेरे को, तेरे को नहीं आया, मेरे को भी आए हैं अभी यार तेरे, लेकिन ये बागेश्वरी वाले दर्शन नहीं होते अभी तेरे घर में, वो है ना ओ, क्या है ओ, तेरे घर में भी है वो अहोई की वो पूजा, वो तेरे घर में भी है, हर घर में होता है, तो फिर क्या कहते हैं वो टाइम से पहुंच जाएगी ना, अच्छा है ना, पहुंच जाएगी, और फिर कल तेरे को सुबह वहाँ पे भी जाना है ना, फिर तेरे को भी दिन में जाना ऑफिस, दिन में जाना है ना, अभी कल सुबह तक डायलॉग आ जाएगा और सर फट रहा है मेरा। सो फाइनली अब मैं घर आ चुका हूँ, शाम के 7 बज रहे हैं ऑफ कोर्स अब, और मैं थोड़ा फ्रेशन अप हो गया हूँ और चेंज कर लिए मैंने कपड़े, थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा हूँ, बिकॉज इट वॉज लाइक अबाउट मोर देन 24.5 आवर्स की हम बैक टू बैक नॉन स्टॉप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, इस मंदिर से उस मंदिर जा रहे हैं, नई नई एक्टिविटीज़ ट्राई कर रहे हैं, चले जा रहे हैं, देर वॉज लॉट ऑफ वॉकिंग, सो लॉट ऑफ डिस्टेंस वॉज कवर्ड बाय अस लाइक वाया वॉकिंग या फिर रिक्शा से या फिर कार से, बट इट वॉज टू हैक्टिक शेड्यूल फॉर अस, एंड टुमारो विल बी मंडे सो वी नीड टू गो टू ऑफिस एज वेल, सो या दैट्स ऑल। एंड हमने बहुत सारे टेम्पल्स कवर्ड किए लाइक प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, गोवर्धन परिक्रमा करी, एंड उसके बाद मथुरा से पेड़े लेके हम लोग वापस घर आ गए, और बहुत ही ज़्यादा थकान हो रही है। राधे राधे।